अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो नॉर्मल पेरिक्यूरम में हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंज, उसमें हमने यूट्रस पढ़ा, सर्विक्स पढ़ा, वेजिनल कैनाल पढ़ा, पेरिनियम भी हमने पढ़ा, लोकिया भी हम लास्ट लेक्चर में हमने कल पढ़ा। सो आज हम लोकिया के बारे में आपको एक टेबल में यहाँ पे बनाऊंगी ताकि आपको याद रहे आराम से। सो डे ऑफ फ्लो, डे ऑफ फ्लो यहाँ पे लिखेंगे लोकिया रूब्रा, लोकिया सरोसान, लोकिया अल्बा। डे ऑफ फ्लो में हम लिखेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगी, पहले मैं यहाँ पे ऐसे करूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लोकिया रूब्रा, सेकंड में लोकिया लोकिया सरोसा, लोकिया सरोसा, लोकिया। सो यहाँ पे लिखेंगे डे ऑफ फ्लो, यहाँ पे लिखेंगे हम कलर सेकंड कॉलम में एंड थर्ड में कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। सो डे ऑफ फ्लो में हम लिखेंगे लोकिया रूब्रा जो है फर्स्ट से लेके फोर्थ डे तक, मैंने कल पढ़ाया लोकिया सरोसा में फाइव से लेके नाइन डेज, एंड लोकिया अल्बा में है टेंथ से लेके फोर्टीन्थ डे। कलर यहाँ पे हम लिखेंगे, कलर लोकिया रूब्रा का है रेड, लोकिया सरोसा अगर है तो येलो, येलोइश पिंक, और पेल ब्राउनिश, एंड लोकिया अल्बा का है पेल व्हाइट बिकॉज इसमें ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो लोकिया रूब्रा का क्यों है रेड, बिकॉज इसमें स्मॉल ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड लोकिया सरोसा जो है ये पिंकिश, येलोइश पिंकिश और पेल ब्राउनिश होता है, एंड लोकिया अल्बा जो है वो है पेल पेल व्हाइट, पेल व्हाइट मीन्स इसमें जो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, एंड इट लास्ट्स फ्रॉम 10 डेज से लेके यानी कि 14 डेज तक। सो इसमें कंपोनेंट्स हम देखेंगे, कंपोनेंट्स इसमें ब्लड, डेसिडुआ एंड वर्निक्स कैसी कैस्यूजा एंड लेन्यूगो मैकोनियम भी यहाँ पे होता है, मैकोनियम से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये कंपोनेंट्स इसमें लोकिया रूब्रा में। लोकिया सरोसा में क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लेस आरबीसीज, यहाँ पे आरबीसीज प्रेजेंट होते इसलिए रेड होता है ये, एंड मोर ल्यूकोसाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अल्बा में क्या प्रेजेंट होता है, अल्बा में
deciduous cells. Deciduous cells, leukocytes, granular epithelial cells and microorganisms. कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो ये इसका टेबल था. लोके एल्बा में 1 से 4 डेज तक ये होता है, रेड कलर का होता है. डेसिडुआ वर्निक्स कैसोल्स एंड लेनुगो और मैकोनियम इसमें कंपोनेंट्स होते हैं. लोके एसरोसा 5 से लेकर 9 डेज तक रहता है. येलोइश पिंक होता है, पेल ब्राउनिश होता है. लेस आरबीसीज इसमें होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. सो लोके एल्बा में 10 से लेकर 14 डेज तक होता है. पेल व्हाइट होता है बिकॉज ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड डेसिडुअल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो ये था इसका टेबल. अब हम स्टार्ट करेंगे. अब मैं थोड़ा सा बोलूंगी आपको इंस्पेक्ट कैसे करोगे आप लोकिया को. सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें. सो इंस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं. अगर पहले हम ऑर्डर देखेंगे, अगर ऑर्डर जो है, अगर ऑर्डर ऑफेंसिव है, अगर ऑर्डर ऑफेंसिव है इट मीन्स इन्फेक्शन प्रेजेंट है. इन्फेक्शन प्रेजेंट है अगर जो अमाउंट जो होता है, अगर अमाउंट भी एबसेंट है या स्मेल ये मतलब ऐसे ही, तो यहाँ पे भी देखेंगे इन्फेक्शन प्रेजेंट है. कलर हमें देखना है, कलर अगर कुछ चेंज्ड है तो इसका मतलब है इसमें थोड़े से बिट्स ऑफ कंसेप्शन रह गए. एंड ड्यूरेशन भी हमें देखनी है, ड्यूरेशन कहां से कहां तक ये भी हमें यहाँ पे नोट करना है. ड्यूरेशन, कलर, अमाउंट ये सब हमें यहाँ पे देखना है. सो ये लोग क्या कर, मैंने इसलिए आपको ये बोला, ये उतना वास्ट नहीं जाना था, इन एस्पेक्ट में थोड़ा सा ही बोलना था. अगर ऑफेंस हुए यानी कि एबसेंट है तो भी इन्फेक्शन है, स्मेली है तो भी इन्फेक्शन है. बस आप शॉर्ट में इतना ही याद रखिए. सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ब्रेस्टस एंड लैक्टेशन. ब्रेस्टस में हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज हम ब्रेस्टस में देखेंगे. जो ब्रेस्टस होते हैं वो ऑलरेडी क्या होता है, ब्रेस्टस ऑलरेडी डेवलप होते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. यानी कि प्रेगनेंसी में आप लोग ये जो फीमेल्स जो होती है, आप लोगों को पता है जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ब्रेस्टस होते हैं वो ऑलरेडी मतलब डेवलप्ड होते हैं. सो क्योंकि उसमें क्या होता है, इन रेस्पॉन्स टू हार्मोनल स्टिमुलस फॉर द फ्यू डेज बोथ ब्रेस्टस फीडिंग एंड नॉन फीडिंग ब्रेस्टस ऑफ वुमेन सीक्रेट्स कोलेस्ट्रम. जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है या नॉन फीडिंग पे है, तो इनमें क्या होता है, दोनों फीमेल्स होती है यानी कि जो वुमेन होती है वो सीक्रेट करती है कोलेस्ट्रम. चाहे वो फीडिंग पे है या नॉन फीडिंग ब्रेस्टस है. तो कोलेस्ट्रॉल मैंने ऑलरेडी बोला, ये एक क्रीमी येलो कलर का होता है ये, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. सो इसमें हम क्या देखें, लेकिन जो ब्रेस्टस होते हैं ये सॉफ्ट रहते हैं एज वेल एज नॉन टेंडर 3 days after delivery, in response to increased prolactin level, breasts become firm and tender. 3 days after delivery, delivery के बाद ठीक 3 दिन. जो breasts होते हैं
वो ठीक डिलीवरी के ठीक 3 दिन बाद वो वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है लैक्टेशन जो होती है, प्रोलैक्टिन लेवल जो होती है वो इंक्रीज होती है ब्रेस्ट में, प्रोलैक्टिन लेवल जो होती है वो इंक्रीज होती है आफ्टर 3 डेज ऑफ डिलीवरी। जो प्रोलैक्टिन लेवल होती है वो इंक्रीज होती है ठीक 3 दिन बाद। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेस्टस होते हैं ब्रेस्टस फर्म हो जाते हैं एंड टेंडर, फर्म हो जाते हैं एंड टेंडर, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क सप्लाई जो होती है वो इनिशिएट हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जो ब्रेस्टस होते हैं वो फर्म एंड टेंडर बन जाते हैं। सो इसी के साथ साथ क्या हम देखेंगे, यहाँ पे मिल्क इनिशिएट हो गया है अब, तो यहाँ पे इंक्रीज्ड फ्लो की वजह से वार्म टेंडरनेस, वार्म एंड हार्ड ब्रेस्ट हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फ्लो। इसमें हम क्या देखेंगे, वीनस एंड लिम्फेटिक, मतलब बिकॉज ऑफ वीनस फ्लो की वजह से है, सॉरी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फ्लो की वजह से है, वीनस एंड लिम्फेटिक कंजेशन इसको बोलते हैं, वीनस एंड लिम्फेटिक कंजेशन, तो उसको फिजियोलॉजिकली हम बोलेंगे एनगॉर्जमेंट, फिजियोलॉजिकल एनगॉर्जमेंट या फिजियोलॉजिकल एनगॉर्जमेंट, या खुद प्रोनाउंस करेंगे। सो इट लास्ट्स अबाउट 24 to 48 hours, इट लास्ट्स अबाउट 24 to 48 hours। तो इसमें क्या हो सकता है फिर, एंड विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ये आराम से रिजॉल्व हो जाएगा जब बेबी सक करेगा, जब बेबी सक करेगा, क्योंकि बेबी के सकिंग की वजह से क्या हो सकता है, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, बेबी जो सक करता है उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। सो ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट विल रिमेन फर्म एंड फुल, तो उसकी वजह से जब मतलब जो बच्चा होता है वो जब सकिंग करेगा, सकिंग की वजह से ब्रेस्ट में क्या हो जाएगा, तो ऑनगोइंग जो मिल्क होता है, ऑनगोइंग मिल्क प्रोडक्शन वो कंटिन्यूअसली उसको स्टिमुलेट करेगा। तो ये ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन में था, लैक्टेशन हम कंप्लीट करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में। सो मे बी ये लैक्टेशन आपको इसके मतलब आगे भी पढ़ना पड़ेगा, सो लैक्टेशन हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।